फ्रेंड्स, वेलकम टू साथी कुकरिसो। आज हम बनाएंगे पिज्जा इन अ बन, और ये बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट है, बहुत बढ़िया बनने वाला है। चलिए बताते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स। पिज्जा इन बन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए बताती हूँ। मैं लगभग 7 से 8 पिज्जा बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और सॉल्ट, और ये ईस्ट है, ये मैंने 1.5 टीस्पून ईस्ट लिया है, 2 टीस्पून शुगर लिया है, ऑयल लिया है। और पिज्जा इन बन की फिलिंग बनाने के लिए हमको चाहिए कैप्सिकम, टोमेटो, ओनियन, गार्लिक, चिली और चीज़। और इसमें आप इसमें हम ऑर्गेनो डालेंगे। अब इसका हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। पिज्जा इन बन का डो बनाने के लिए हम ईस्ट ब्रेड डो बनाएंगे। चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ। ईस्ट है ना, ईस्ट राइस करते हैं। ईस्ट राइस करने के लिए हमको चाहिए वाटर। ये मैंने वार्म वाटर लिया है। वार्म वाटर लेना है, हॉट नहीं मगर ठंडा भी नहीं लेना है, अच्छा सा वार्म वाटर लेना है। देखिए मैंने इसमें वार्म वाटर लिया है। मैं लगभग इसमें स्पून वार्म वाटर ले रही हूँ। इसमें हम डालेंगे शुगर। शुगर ईस्ट के लिए फूड का काम करता है। इसमें ईस्ट अच्छे से ग्रो करता है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे अपना ईस्ट। ये मैंने ड्राई ईस्ट लिया है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। अब हम अपने इसको मिला के इस मेटल को हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद हमारा ईस्ट खा पी करके बढ़िया सा तैयार हो जाएगा, और इसके बाद हम अपना डो तैयार करेंगे। मैदे को सीव करेंगे ताकि इसके सारे लम्स निकल जाएं और इसमें थोड़ी सी अच्छे से एयर भी। अब डो तैयार करते हैं। देखिए हमारा ईस्ट कितने अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने डो में सॉल्ट, टेस्ट जैसा आप जितना नमकीन आप खाना चाहें। इसमें मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ये लगभग 3 टीस्पून ऑयल। इसमें उतना वाटर डालेंगे जितना इसको गूथने में लगेगा। हमें थोड़ा सा नरम, जैसे हम रोटी के लिए आटा मारते हैं उससे थोड़ा सा और नरम आटा मारना है। और इसमें जितना हमें ज्यादा से ज्यादा हाफ ग्लास पानी लगेगा। हमारे हाथ में आटा चिपक रहा है, मगर जब इसको हम थोड़ा देर गूथेंगे तो हमारे ये सब चिपकना बंद कर देगा। देखिए अब हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ये हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको अच्छे से कवर करके, इसको मैंने क्लीन फिल्म से कवर किया है। हम प्लेस पर थोड़ा अच्छे से थोड़े से जो गुनगुने किनारे पर घर के रख देंगे, और लगभग इसको आधा घंटा से 1 घंटा तक रखेंगे इसी तरीके से कवर करके। ये राइस हो जाएगा। हमारा मटेरियल लगभग दुगना हो जाना चाहिए राइस हो करके। ये उसकी पहचान होती है कि इसमें अच्छे से बनाती हूँ कि हमारी फिलिंग्स क्या क्या डालेंगे। इसमें हम वेजीज डालने वाले हैं, तो हम लेंगे कैप्सिकम। ये मैंने 1 मीडियम साइज कैप्सिकम ली है। ये मैंने 1 ओनियन ली है मीडियम साइज का। टोमेटो एज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ये ऑप्शनल है। अगर आपके बच्चे टोमेटो पसंद नहीं करते तो मत लीजिए। ये है कॉर्न, ये मैंने फ्रोजन कॉर्न यूज किए हैं। जेलापेनो, पिज्जा सॉस, ऑरेगानो, चिलीज एंड चीज। चलिए हम सबसे पहले अपनी फिलिंग रेडी करते हैं। चलिए हम अपने फिलिंग में सबसे ओनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, कॉर्न सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें जैलोपेनो डालेंगे, ऑरेगानो डालेंगे, पिज्जा सॉस डालेंगे। ये मैंने 2 टीस्पून पिज्जा सॉस लिया है। अगर जब आप ज्यादा डालना चाहें तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डालेंगे सॉल्ट, सॉल्ट डालेंगे इसमें थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मगर थोड़ा कम सॉल्ट डालिएगा। इसमें मैं मोज़रेला चीज डालने वाली हूँ, इसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। हमने अपने डो में भी सॉल्ट डाला है।
इसमें आप ग्रीन चिली डाल सकते हैं, अगर आपके बच्चे स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली डालिए। लीजिए हमारी फरियासी फिलिंग तैयार हो गई है। चलिए अब हम बनाते हैं अपने बंस। अब इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे। लीजिए हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम तैयार करेंगे अपना बटर, गार्लिक बटर। चलिए हम बनाते हैं गार्लिक बटर। ये मैंने रूम टेम्परेचर पर मेल्टेड बटर है, नॉर्मल मामूल का बटर है ये। इसमें हमने क्रश किए, इसमें आप गार्लिक पाउडर यूज कर सकते हैं मगर मैंने इसमें क्रश किया हुआ गार्लिक यूज किया है। इसमें मैं थोड़ा सा पेपरिका डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे और ये थोड़ा मेल्ट हो जाएगा। देखिए हमारा डो बढ़िया से राइस हो गया है, ये दुगने से भी ज्यादा फूल गया है। इसको मैंने लगभग 30 मिनट्स के लिए रखा था। ये देखिए हाथ में हम ऑयल लगा के इसको थोड़ी देर के लिए गूथेंगे। गूथने से हम इसके ग्लूटेन को रिलीज करेंगे। जब ग्लूटेन रिलीज होगा तो अच्छे से राइस करेगा। देखिए इतना बढ़िया से हो गया है। जब हमने गूथा था तो लग रहा था ना ये थोड़ा गीला है, ये बिल्कुल भी गीला नहीं है। देखिए कितना बढ़िया है। चलिए अब बनाते हैं हम अपने बॉल्स। डो रेडी हो गया है, अब हम इसे अपने बन बनाने के लिए तैयार हैं। चलिए सबसे पहले मैं आइडिया बताती हूँ कि किस तरीके से बन को ओवन में प्लेस करते हैं। मैंने अपने ओवन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है 15 मिनट के लिए 175 टेम्परेचर पर। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से रैक में बन को हम रखेंगे। हमारे आमतौर पर जो हम लोग ओटीजी यूज करते हैं उसमें दो तरह की रैक आती है। ये जो रैक होती है इसमें हम पिज्जा केक वगैरह कुछ भी रखते हैं। ये जो रैक होती है इसमें बाउंड्री नहीं बनी होती है, इसमें हम अपनी ब्रेड और बंस बनाते हैं। इसका रीजन है कि जब हम बन को रखते हैं तो वो चारों तरफ से अच्छे से हीट उसको मिलती है तो उसका अच्छा सा क्रस्ट तैयार होता है और बन इक्वली ब्राउन होते हैं। तो ऑयल लगाएंगे हाथ में। अब इसको डो से बॉल बनाना शुरू करेंगे। देखिए कितना बढ़िया से इलास्टिक हो गया है ना। से हम बढ़िया स्मूथ बॉल तैयार करेंगे। इसमें हम अपनी फिलिंग भरेंगे जैसे हम अपनी भरवा वाली भरवा कचौड़ी बनाते हैं ना, बस बिल्कुल उसी के स्टाइल से इसे भरना है। ये देखिए भर गया है, ऊपर से एकदम स्मूथ है। बंस को रखेंगे, उसमें हल्का सा ग्रीस करेंगे उसे। मेरा ओवन भी रेडी हो गया है। देखिए अब मैंने अपने सारे बंस को ट्रे में लगाया। इसको गार्लिक इसमें लगाएंगे, गार्लिक बटर इसमें लगाएंगे। अच्छे से ब्रश करेंगे गार्लिक बटर से इसे। अब हमारे बन रेडी है, अब इनको हम बेक करने के लिए लगाएंगे। मैं इसको 180 टेम्परेचर पर लगाऊंगी और इसको हमें कम से 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। और इसे अब हम देख लेंगे, अगर हमारी क्रस्ट जल्दी ब्राउन हो जाएगी तो पहले निकाल लेंगे, और अगर कम ब्राउन होगी, जितना आप ब्राउन करना चाहें उस हिसाब से आप उसको उस टाइम को आगे पीछे कर सकती हैं। 10 से 15 मिनट के बीच में तैयार हो जाएंगे हमारे बन। अब बन के रेडी है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। एकदम बढ़िया से ब्राउन पके हैं, बहुत सॉफ्ट है एकदम। मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ करके। ये देखिए कितने सुंदर बने हैं एंड यमी। तो मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।